हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पायल है। आज मैं फिर से एक टिकर कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग है अबाउट लव रोमांस। एंड तो आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हैं, आप का कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप क्या समझना चाहते हैं अबाउट रोमांटिक पार्टनरशिप। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप रेजोनेट कर सकते हैं, आप शायद रेजोनेट ना करें। जो आपको लगता है आप रेजोनेट करते हैं वो आप इस रीडिंग से ले सकते हैं। दूसरा, मैं थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कि आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, एनकरेजमेंट दिया है, उस सब के लिए आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। ओके, एंड आपको करना क्या है आज कि एक लंबी गहरी सांस लेनी है, आँखें बंद करनी है, धीमे से छोड़नी है और ये अपने आप से पूछना है कि आपको इस रिलेशनशिप में या आपको रिलेशनशिप के बारे में या रोमांटिक पार्टनरशिप के बारे में क्या समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और जिस भी कार्ड से आप ड्रॉन होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप वो पाई सिलेक्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं टाइम स्टेप डालूँगी, आप डायरेक्टली वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। शुरू करने से पहले, हम सब एक दौर से गुजर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं कोरोना वायरस के दौरान, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो मैं आपको बोलूँगी आप सेफ रहिए, घर पे रहिए। जो भी गाइडलाइंस पब्लिक इंटरेस्ट में इशू की गई हैं प्लीज़ उसे फॉलो करिए। आइसोलेशन का टाइम है, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि आपका इनर वर्ल्ड है वही आपका आउटर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको अगर आपके आउटर वर्ल्ड में चेंज लाना है, रिलेशनशिप में चेंज लाना है, तो अपने इंटरनल वर्ल्ड में भी चेंज लाइए। हो सकता है आज की रीडिंग आपको आपको उस डायरेक्शन में हेल्प करे। ओके, तो हम शुरू करते हैं पहले सेट ऑफ कार्ड से ब्लू, देखते हैं कि क्या आपके लिए मैसेज है। ओके, शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, पहला है ब्लू, सेकेंड है ऑरेंज, थर्ड है पर्पल और फोर्थ है प्लम। तो आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके लिए आपको किससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले सेट से। मैंने वेरियस क्वेश्चंस पूछे हैं कार्ड में और उसके हिसाब से मैं रीडिंग करूँगी। तो ब्लू मुझे दर्शाता है कम्युनिकेशन, टेलीपैथी कनेक्शन। यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट योर हीलिंग पावर। तो आप हीलर हो सकते हैं या आपके अंदर वो हीलिंग क्वालिटी हो सकती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में शिफ्ट लाने के लिए। मुझे लग रहा है कि आप कनेक्ट करिए अपने हीलिंग एबिलिटी से, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में। आपको वो जॉय, लव या जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो आप एक्सपीरियंस कर सकें। ठीक है, देखते हैं कि मैंने पूछा था आपके पार्टनर की एनर्जी पहले आपकी, आप कहाँ पे आप रीबिल्ड कर रहे हैं, आप अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हो सकते हैं। देखिए उनका हाथ हार्ट पे है, तो हो सकता है आप रिलेशनशिप रीबिल्ड करना चाह रहे हैं पर्सन के साथ, रिकंसिलिएशन चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या अगर नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि पहले शायद आपने बहुत सारा ऐसा कुछ देखा है, ऐसा लाइटनिंग मोमेंट्स आए हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग महसूस हुआ है या आपको अभी हो रहा है, बट आप अपने आप को रीबिल्ड करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है आप सेल्फ लव के तरफ फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसके यहाँ पे विंग बने हुए हैं इनके यहाँ पे। तो हो सकता है कि आप आपके रिलेशनशिप में आपने बहुत सारा दिया है, आप एक एंजल की तरह आपके रिलेशनशिप में आपने दिया है इस रिलेशनशिप में। रिसीव हुआ है कि नहीं वो हम देखते हैं, बट दिस इज़ हाउ यू हैव बीन, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर लेकर इस रिलेशनशिप को बिल्ड किया है। ओके, और अभी आप फोकस करना चाह रहे हैं सेल्फ लव पे। ये है ना, भले ही हम रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करें, मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आप ओवरऑल आपके रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा आप लविंग हैं, गिविंग हैं, बहुत ज़्यादा लविंग है, एक एंजल की तरह है। वेरी इंटरेस्टिंग, देखते हैं आपके पार्टनर का एनर्जी क्या कह रहा है। ओके, आपके पार्टनर उस एनर्जी में अभी नहीं है, उनका हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहे हैं। तो हो सकता है खाली वो आपके प्रति या रिलेशन के प्रति ना हो,
ओवरऑल उनके लाइफ में वो कहीं ना कहीं हेल्पलेस या होपलेस फील कर रहे हैं, या हो सकता है उनको पता है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, बट अभी उनके पास चॉइसेस हैं तो वो एनालिसिस कर रहे हैं कि वो कौन सा पाथ चुने। ठीक है, हो सकता है उनको लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही हो या रिलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप उनको लव देकर हेल्प करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आप नहीं चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर ऐसा फील करे, सो आप उनको शायद मुझे लगता है सिर्फ वर्ड से नहीं, एक अच्छा माहौल बना के आप उनको हेल्प करना चाह रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप आपके पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं और आप नए रिलेशनशिप के लिए ओपन हो रहे हैं, बट आपको पता नहीं है कि अभी आपका पार्टनर रेडी है या नहीं है। सो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने हार्ट को हील करते रहिए, राइट टाइम पे, राइट जगह पे आप राइट पर्सन से मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पार्टनर जो कि अगर अभी नहीं आए आपके स्पेस में और वो इस एनर्जी में है, तो फिर आपको फिर उतना शायद अच्छा फील ना हो ना, तो बेटर है कि आप सिर्फ अपने पे फोकस करिए। ठीक है, वो आपके पास आने का रास्ता ढूंढ लेंगे, आप आपकी एनर्जी में रहिए और अपने आप को हील होने दीजिए। फिर मैंने देखा कि पोटेंशियल क्या है, तो सीख, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए दोनों बर्ड्स हैं ना और यहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है पोटेंशियल है कि ग्रोथ है, यहाँ पे मुझे ग्रोथ लग रहा है क्योंकि आसपास पेड़ हैं और काफ़ी अच्छे पेड़ हैं और ना मतलब ओपन है, तो मुझे लग रहा है पोटेंशियल दिखा रहा है कि काफ़ी ओपननेस हो सकता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, सीख है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे हेल्प मांगना चाह रहे हैं, ये भी पॉसिबल है टू ग्रो, नॉट लाइक हेल्प इन अ वे कि किसी तरीके से हेल्प इन अ वे, ये एनर्जेटिकली भी हो सकता है, फिजिकल या इमोशनली भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारा स्पिरिचुअल ग्रोथ है इस रिलेशन में। ठीक है, फिर मैंने पूछा था कि आपके लिए एडवाइस क्या है एंजल्स की तरफ से और इसकी तरफ से भी, फॉरगिवनेस। तो अगर आपने कोई भी रिजेंटमेंट या कोई भी ऐसा इमोशन अगर आपने होल्ड किया है अपने पार्टनर के प्रति या खुद के प्रति भी, तो आप प्लीज़ फॉरगिवनेस करिए, बिकॉज फॉरगिवनेस विल हील एवरीथिंग, यू नो, इट विल हेल्प यू टू लेट गो, इट विल हेल्प यू टू क्रिएट स्पेस फॉर बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लव एंड कंपेनियनशिप, इवन हारमोनियस रिलेशनशिप। तो प्लीज़ फॉरगिवनेस करिए और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को फॉरगिव करिए। एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं कि वर्थ वेटिंग फॉर, मतलब अगर आप ये रिलेशनशिप में सोच रहे हैं कि मैं वेट करूं कि मूव करूं, तो यू कैन वेट, बिकॉज यहाँ पे लिखा है डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, सो यू कैन वेट बिकॉज दिस कुड बी द वन, सो दिस कुड बी योर रोमांटिक पार्टनर। दिस ऑल्सो टेल्स मी कि अगर आप ये फॉरगिवनेस करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए ओपन हो जाते हैं और एक अच्छी स्पेस क्रिएट करते हैं हार्ट चक्रा हील करके, तो ऑटोमेटिकली यू विल नो दैट दिस विल बी द वन, और हो सकता है कि आपको पता है दैट दिस कुड बी वन, बट फीलिंग में नहीं आ रहा है बिकॉज रिजेंटमेंट है, सो लेट गो करिए। ठीक है, रिजेंटमेंट, दिस विल हेल्प यू टू बेटर योर रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। ओके, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर, यू सीख, वापस से सीख आया। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंगल हैं तो यू मे हैव ऑलरेडी मेट, और अगर इफ यू हैव नॉट मेट, इट इज़ वर्थ वेटिंग, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क, यू विल जस्ट कम इन दैट कनेक्शन विद द पर्सन। इफ ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, दिस कुड बी द वन दैट यू हैव ऑलरेडी बीइंग इन रिलेशनशिप, बट यू नीड टू डू दिस फॉरगिवनेस सो दैट यू बोथ कैन ग्रो, आउटकम मूविंग ऑन, मूविंग ऑन हो सकता है साथ में, मूविंग ऑन हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है अकेले पर्सन चल रहे, तो यहाँ पे कुछ इंडिविजुअलिटी को भी लेके मुझे लगता है कि एक दूसरे की क्या बोलते हैं, एक दूसरे का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है रिलेशन को लेके, सिचुएशन को लेके, उसको मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं
एक दूसरे की हेल्प करनी है, बट नॉट इन अ वे ऑफ ओनली इन वर्ड्स बट विथ एक्शंस ऑल्सो. तो मुझे लग रहा है कि अभी तो वीक है कि साथ में हो, खाली यहाँ पे पोटेंशियल दिखा रहा है साथ में होने की, पोटेंशियल है बट आउटकम होने के ये चांसेस है. मैं हमेशा कहती हूँ बट कि जब भी रिलेशनशिप की बारी आती है कि देखिए कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे इन पर्सन के साथ और इट वॉज नॉट हेल्दी, तो सिर्फ एक्नॉलेज कीजिए दैट वाई यू आर विथ हिम और हर राइट नाउ एंड जस्ट सी दैट आर यू क्रिएटिंग स्पेस फॉर योर सेल्फ. मतलब क्या आप आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए वो इनफ स्पेस क्रिएट कर रहे हैं टू लव ईच अदर और टू एक्सपीरियंस लव. क्योंकि अभी तो लग रहा है कि आउटकम आ रहा है मूविंग ऑन, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करो या आप पार्टनर से मूव ऑन करें, नहीं तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे को वो स्पेस दीजिए जहाँ पे वो मूव ऑन कर रहे हैं बट आप वेट कर रहे हैं, नॉट इन अ अनहेल्दी वे बट क्योंकि यहाँ पे वर्थ वेटिंग फॉर आया है. सो लेट द पार्टनर, आपके पार्टनर को थोड़ा सा छोड़िए, मतलब लेट गो करिए, देन यू विल नो. बिकॉज वो देखो यहाँ पे भी वो अकेले खड़े हैं, यहाँ पे वो अकेले चल रहे हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा उन्हें स्पेस दीजिए, ठीक है. मैंने पूछा था कि आप ये सरेंडर, क्या सरेंडर कर सकते हैं ताकि ये सिचुएशन अगर कोई है तो रिजॉल्व हो जाए या फिर आप हेल्दी हैप्पी और जॉयस रिलेशनशिप एन्जॉय कर पाएँ. तो यहाँ पे आया है सरेंडर टू इनर पीस. तो रिलेशनशिप में पीस ढूंढने की कोशिश नहीं करिए, आपके अंदर जो पीस है उसको कनेक्ट करिए. यहाँ पे लिखा है कल्टीवेट इनर पीस ऑन डेली बेसिस इन क्वाइट मेडिटेटिव मूवमेंट, फोकस ऑन द स्टिलनेस विद इन एंड एन्जॉय दिस इनर रेफ्यूज, अदर्स विल फील योर गुड वाइब्स टू एंड योर लाइफ विल फ्लो मोर इजीली. तो आप अपने इनर पीस पे फोकस करिए, जब आपका इनर पीस स्ट्रांग होगा आपके पार्टनर को ऑटोमेटिकली उसकी वाइब समझ में आएगी एंड इफ इट इज़ मेंट टू कम टुगेदर इट विल हैपन. सिंगल है तो रुकिए नहीं, मतलब पार्टनर के लिए आप वेट कर सकते हैं बट आपका जो लाइफ है, आप जो कर रहे हैं सेल्फ वर्क या सेल्फ लव या जो भी आप कर रहे हैं, आप रुकिए नहीं, आप वो करते रहिए. लेट द पर्सन ज्वाइन व्हेन द पर्सन वांट्स टू ज्वाइन, ठीक है, बट यू विल नो दैट दिस कुड बी वन और इफ यू हैव मेट सो यू विल जस्ट लेट द अलाउ द पर्सन टू कम इन योर स्पेस. मतलब आप अलाउ करिए कि वो आपके स्पेस में आए उनके टाइमलाइन के हिसाब से. फिर मैंने पूछा था कि आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं अबंडेंस ऑफ लव एंड कंपेनियनशिप. तो लिखा है फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज. सो वेर यू पुट योर फोकस इज वेर यू रिसीव योर आउटकम. अच्छा, जहाँ पे आप फोकस डालेंगे वहीं से आपको आउटकम मिलेगा. तो आपकी प्रायोरिटीज आपको बुला रही हैं, तो जिस वजह से कभी आपको शायद एंजाइटी हो सकती है, अगर योर प्रायोरिटीज आर कॉलिंग यू विच मे प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी अनलेस यू गिव देम द टाइम एंड अटेंशन दे एंड यू डिजर्व. मतलब उनको अगर आपने टाइम और एनर्जी नहीं दिया तो आपको एंजाइटी हो सकती है, तो आप प्लीज़ उन्हें टाइम और एनर्जी दीजिए अपनी प्रायोरिटीज़ को. और थोड़ा भी टाइम आप निकाल सकते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ को तो आप अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील होगा. टेक योर टाइम, आई फील टेक योर टाइम, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टूवर्ड्स योर, कि आपको जो चाहिए उसके प्रति एक बार में एक स्टेप लीजिए, घाई नहीं करिए, डोंट रश, ऐसा मुझे फील हो रहा है. और मैंने पूछा था कि आप क्या अफर्म कर सकते हैं, तो आया है द प्रेजेंट ऑफ लव विल ऑलवेज कास्ट आउट फियर. तो अगर आपके मन में कोई भी फियर है ये रिलेशन में या रिलेशनशिप में जाने में या ये रिलेशनशिप में रहने में, तो लव को चुनिए, क्योंकि जब आप लव चुनेंगे तो फियर अपने आप चला जाएगा. ओके, और कोई मैसेज है? वेडिंग, तो हो सकता है आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं या हो सकता है कि आप शादी में जाना चाहते हैं, तो मैरिज तो है कार्ड में बट थोड़ा सा काम करना है. तो फियर, अगर मैरिज को लेके कोई फियर है तो उसको लेट गो करना है.
आप वो कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके बिलीव क्या है मैरिज को लेकर, तो आप मैरिज में जाना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम मैरिज को लेकर बिलीव क्या है, और अगर शादीशुदा है तो भी देखिए कि आपका मैरिज को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है। और ये फियर है ना कहीं, तो वो फियर को लेट गो करिए, ठीक है। यहाँ पे भी फगीवनेस आ गया, दो दो बार आ गया फगीवनेस। यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने रिजेंटमेंट होल्ड किया तो एंगर प्रिवेंट करेगा आपको कुछ भी अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए, और सफोकेट भी महसूस करवाएगा आपको, दम घुटेगा आपका और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं होगी। तो रिजेंटमेंट एक ऐसा इमोशन है जो हमें डैमेज करता है अंदर ही अंदर। तो जब आप फगीवनेस करेंगे तो आप इनक्रेडिबली पावरफुल हो जाएंगे और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में। वाह, मैं एक हमेशा अफर्मेशन करती हूँ, फगीवनेस मेक्स और फगीवनेस एम्पावर्स मी, द मोर आई फगीव मोर आई फील एम्पावर्ड। ओके, ये बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन है, आप ये भी कर सकते हैं। ओके, ये फगीवनेस प्रेजेंट रिलेशन को लेके हो सकता है, पास्ट रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। तो आप प्लीज़ करिए और टेक योर टाइम टू मेक डिसीजन, घाई नहीं करिए, जो मैं आपको बोल रही थी, टेक योर टाइम टू टेक अ डिसीजन, डोंट बी इन अ हरी टू मेक एनी डिसीजन। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, मुझे बहुत अच्छा लगा करने के। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कैसे इससे कनेक्ट कर पाए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझसे ज़रूर शेयर करिए। ओके, आप सेफ रहिए, अबंडेंट लाइफ एक्सपीरियंस करिए, हम किसी और टाइम और स्पेस में मिलेंगे। बाय। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स की तरफ, जो कि है ऑरेंज। पे मैसेज है नर्चर योर सेल्फ, तो आप सेल्फ नर्चरिंग पे ध्यान दीजिए, खुद को नर्चर करिए। जितना आप खुद को नर्चर करेंगे आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली नर्चर होगा। हो सकता है आप उन लोगों में से हैं जो, अगेन इवन पहले सेट में वैसा ही था कि बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा गिविंग है, बट एट द सेम टाइम वो लव और कंपैशन खुद को भी दीजिए। ओके, फिर मैंने वेरियस क्वेश्चंस पूछे थे, पहला क्वेश्चन था आप कहाँ पे हैं तो रिलेशन में, तो आया है जस्ट ब्रीद। तो आप शायद या तो किसी रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, ये हो सकता है किसी साइकिल ऑफ रिलेशन से, या कोई आपने पैटर्न आपके रिलेशनशिप का तोड़ा है और अब आप थोड़ा सा ब्रीद कर रहे हैं ना, लाइक एक चैन की सांस भर रहे हैं। तो आप आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि शायद आप नर्चर भी कर रहे हैं ना अपने आप को, तो यू आर जस्ट फोकसिंग, आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड को देख के कि आप अपने शैडो साइड को भी देख रहे हैं कि आपसे कहाँ गलती हुई है, या आप क्या कर सकते थे, या आपको क्या करना चाहिए था, या आप क्या कर सकते हैं। तो आप ना अपने आप से अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं ये रिलेशन में या ये सिचुएशन में। इंटरेस्टिंग, आपके पार्टनर, ओके, थर्ड आई चक्र, मैं इसका क्लैरिफिकेशन लेती हूँ। ओके, सो आपके पार्टनर, टेन ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपके पार्टनर हो सकता है, उनका जो देखने का नज़रिया है, एक तो थर्ड आई ऑफकोर्स और एक्टिव होगा, पॉसिबिलिटीज़ है बहुत हाई कि वो स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, और उनका थर्ड आई चक्र काफ़ी एक्टिव है, तो वो विजन उनको आते होंगे, या वो विजनरी काइंड ऑफ पर्सन होंगे। तो इसीलिए शायद आप अपने शैडो सेल्फ को भी देख रहे हैं, और जितना आप ये देखेंगे ना, आप उनके साथ उतना ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना आपके पार्टनर को लगता है कि ये रिलेशन उनको ही आगे लेके जाना है। ऐसा कुछ है नहीं, बट ये उनका एनर्जी है। तो आप जितना अपने शैडो सेल्फ को देखेंगे ना, उतना ही आप अपने रिलेशनशिप में हेल्प करेंगे, अपनी भी और आपके पार्टनर की भी। एक्चुअली वाह,
क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी है कि उनको ही मतलब हो सकता है रिलेशन का अगर बर्डन फील नहीं होता है तो काम का बर्डन हो सकता है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन हो सकता है, क्योंकि वो सब कुछ खुद करना चाहते हैं काम या कोई भी चीज़, क्योंकि उनको बर्डन महसूस होता है या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपसे लेना देना ना हो, ओवरऑल उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ देखना या करना। राइट, फिर पोटेंशियल इज लीड, तो मुझे स्टेबिलिटी लग रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर सिंगल है तो शादी पॉसिबल है, या शादी नहीं तो कुछ डीपर कमिटमेंट भी पॉसिबल है, क्योंकि मेरे लिए स्क्रोल पॉसिबिलिटी है लाइक नो मैरिज का कुछ इनविटेशन या समथिंग लाइक दैट। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे लगता है कि आपको डिसाइड करना है दोनों को, मतलब आप दोनों को कि डिसाइड करना है कि हु विल लीड द रिलेशन। यू नो देर कैन नॉट बी टू लीडर्स इन द रिलेशन, सो वन हैज़ टू, और मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई एरिया में आप लीड करें, कोई एरिया में आपका पार्टनर लीड करे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप डिसाइड करें, क्योंकि पोटेंशियल तो अच्छी है रिलेशन में, बट और यहाँ पे भी फोर है, यहाँ पे भी फोर है, फोर इज़ अ नंबर ऑफ अगेन स्टेबिलिटी। सो आप देखिए कि आपका शैडो सेल्फ आप देखिए और आप उसको एम्ब्रेस करिए आपके पार्टनर से। मुझे लग रहा है कि कहीं ना शेयरिंग की भी कमी है, तो एक दूसरे के साथ शेयर करिए कि आप क्या फील करते हैं, वो क्या फील करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है दोनों व्यक्ति स्ट्रांग हैं बट लेकिन दोनों शेयर नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। आप अपने तरीके से रिलेशनशिप को हैंडल करके आगे लेके जाना चाह रहे हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, विच इज़ नॉट वर्किंग। एडवाइस क्या है, एक्सेप्टेंस। सो आप दोनों व्यक्ति अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, यू बोथ आर डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दो अलग तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप एक्सेप्ट करिए, वो जैसे हैं आप उनको एक्सेप्ट करिए। कई बार हम रिलेशनशिप का एक हमें आइडियल पिक्चर होता है, जैसे मैं एक क्लाइंट के साथ शेयर कर रही थी कि एक फैंटेसी होती है और जो एक्चुअल रिलेशन है वो काफ़ी अलग होता है उस फैंटेसी से, और हम कई बार पसंद करते हैं उस फैंटेसी में रहना बिकॉज वहाँ पे हमारा कंट्रोल अच्छा होता है ऑनेस्टली, बट वो हमें रियलिटी से कोसों दूर ले जाता है। तो अगर आपको रियलिटी अच्छी एक्सपीरियंस करनी है ना, आपको जो सोचते हैं आप उसको आपको एक्सपीरियंस भी करना है, अगर वो एक्सपीरियंस भी करना है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सेप्ट करिए वो जो व्यक्ति है वो वैसा है, उसको आप एक्सेप्ट करिए। जितना जल्दी आपका एक्सेप्टेंस होगा इस रिलेशन को या रिलेशनशिप के लिए, अगर नए रिलेशन में भी जाना चाहते हैं, तो जो फैंटेसी है ना गलत नहीं है, बट कई बार फैंटेसी इज ऑल्सो एन एस्केप मैकेनिज्म, तो एस्केप मत करिए। शैडो सेल्फ को देखिए अपने कि आप क्या है ऐसा जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ख़ास करके पार्टनरशिप में तो हमें सबसे ज़्यादा हमारे क्लोज होते हैं। यहाँ पे भी देखिए शैडो है पीछे और यहाँ पे भी है ना, तो एस्केप मत करिए, ये शैडो को एम्ब्रेस करिए, ओके, और शेयर करिए आपस में। ये कितना रेयर हो सकता है ना कि दोनों में ये है शैडो, तो एक्सेप्ट करिए, ठीक है। जितना आप जल्दी एक्सेप्ट करेंगे ना उतनी जल्दी आपको रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट दिखेगा, या अगर आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उतनी जल्दी आप अच्छा पार्टनरशिप अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। क्योंकि कार्ड्स और क्या एडवाइस कर रहे हैं या मैसेज है, मेक द एफर्ट। तो आपसे वो बोल रहे हैं कि अगर आपको अच्छा रिलेशन चाहिए तो ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक, तो जो आपको लगता है कि आपको स्टेप्स लेने चाहिए आप प्लीज़ वो स्टेप ज़रूर लीजिए, वो एफर्ट्स ज़रूर डालिए। अब वो एफर्ट्स हो सकता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी, खुद को इम्प्रूव करना भी एक एफर्ट है, तो वो आप कर सकते हैं क्योंकि नर्चर योर सेल्फ आया था। और सेकेंड कार्ड आया है ट्रू लव, दिस इज़ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, तो आप ज़रूर आपके पार्टनर जो है वो आपके ट्रू लव हो सकते हैं, या अगर आप
रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आप ट्रू लव से कनेक्ट करेंगे. सो देयर इज नो कि कुछ ऐसा डाउट मत लाइए अपने लाइफ में या अपने जहन में कि मुझे मिलेगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट एक्सेप्ट करिए और नर्चर योर सेल्फ में भी. हम क्या कर रहे हैं, हम जो हैं हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो जितना आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे उतना ही आपका रिलेशनशिप आपको हेल्दी, हैप्पी, जॉयस होगा आपका. वाओ, आउटकम में हार्ट चक्रा है. तो आउटकम में हार्ट चक्रा मतलब लव एक्सपीरियंस, और वो भी ट्रू लव के साथ आया है. तो आप ज़रूर लव एक्सपीरियंस करेंगे अपने लाइफ में. तो पहला आपको लव एक्सपीरियंस करना है खुद के साथ. पार्टनर के साथ ऑटोमेटिकली आप एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है. फिर आप अबंडेंस कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं और क्या सरेंडर कर सकते हैं टू लीव अ हेल्दी, हैप्पी रोमांटिक पार्टनरशिप. सरेंडर टू सक्सेस, यहाँ पे लिखा है कि आप तैयार हैं एक्सपीरियंस करने के लिए अबंडेंस को. अबंडेंस ऑफ लव भी होता है. तो पीछे मुड़ के मत देखिए, जो भी पुराने रोड ब्लॉक्स थे या डिफ़िकल्टीज थे उसे जाने दीजिए. और अब आप नए रिलेशनशिप या सेम रिलेशनशिप में नई पॉसिबिलिटीज़ देखिए, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो आप सरेंडर करिए सक्सेस को कि आप सक्सेस डिजर्व करते हैं. हाँ, ब्यूटीफुल है ना. और अबंडेंस से था, देखिए यहाँ पे आया है कि लीप इनटू एक्साइटिंग न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़. और यहाँ पे आया है अनलिमिटेड आइडियाज. तो एक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना, यानी लव एक्सपीरियंस करना या सक्सेस एक्सपीरियंस करना, वहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं. जैसे ही आप ये शैडो सेल्फ एक्सेप्ट करते हो ना आपका, तो आप ऑटोमेटिकली ये पोटेंशियल बढ़ा देते हो लीड वाली, राइट. और जैसे ही आप वो करते हो, सरेंडर कर रहे हो सक्सेस को, तो ऑटोमेटिकली एनीवेज वो बोल रहे हैं आउटकम इज़ पॉजिटिव. हार्ट चक्र आया है तो लव एक्सपीरियंस आप करोगे. दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि अनलिमिटेड आइडियाज़ है आपको. आपके पास जो गॉड का गिफ्ट है इन्फिनाइट माइंड का, वो बोल रहे हैं कि आपको पूरा एक्सेस दिया जा रहा है वो अनलिमिटेड आइडियाज़ को एक्सेस करने का. और गारंटी है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको. और खाली करना क्या है, जो वो डिवाइनली गाइडेड एक्शन है ना वो लेना है. यहाँ पे भी मेक द एफर्ट है, यू आर गाइडेड टू टेक. और यहाँ पे भी है डिवाइनली गाइडेड एक्शन टू अलाउ दिस आइडिया टू बिकम फ्रूटेशन. मतलब आपको एंजल्स, गाइड्स, वो आपको हेल्प कर रहे हैं. आप वो वाले ग्रुप में हो सकते हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज देखते हो, ठीक है. ये भी मुझे दिखा रहा है कि आप शैडो वर्क कर रहे हो, यानी आप अपने आप को लर्न कर रहे हो एक्सेप्ट करने का. और आपके पार्टनर भी वही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे मेल है, ठीक है. बट दोनों अलग अलग तरीके से कर रहे हैं. बट फिर करने के वजह से आउटकम क्या आ रहा है. अब मैंने पूछा था कि आप क्या अफर्म कर सकते हैं या क्या आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है. तो इसमें आया है, इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम आई प्रे फॉर द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल. तो इसका एक मतलब ये भी है कि अटैच मत रहिए रिजल्ट से. ये बोलिए कि खाली ये प्रे करने के लिए कि मुझे ऐसा आउटकम चाहिए, इसकी जगह पे ये प्रे करिए कि सबके लिए अच्छा हो, मेरे लिए भी, मेरे पार्टनर के लिए भी, या कोई और पीपल इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए भी अच्छा. तो ऑटोमेटिकली यू विल क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ ना, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ टू फील दिस गुड. क्योंकि हो सकता है, जैसे मैं बता रही थी कि आप दोनों अलग तरीके से शायद थोड़ा सा रिलेशन को देखें, बट फिर वो दोनों आप दोनों सेम पेज पे आ जाएं, ओके. और कोई एडवाइस, गिव योर रिलेशनशिप चांस. तो गिव अप मत करिए, थोड़ा वेट करिए. यू विल सी अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर और डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग आ सकती है आपको ये रिलेशनशिप को लेके, या कुछ ऐसा आपको समझ में आ सकता है जो आपको पहले समझ में नहीं आया था. तो ये रिलेशनशिप को आप चांस दीजिए. और आपका होम प्रोटेक्टेड है, तो आपको ज़रा भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे नीड्स कैसे प्रूव होंगे, या हमारे घर में लोग हैं उनका क्या होगा, या
तो आप एंजल्स को बोलिए या गाइड्स को बोलिए या आप जिनको मानते हैं उनको बोलिए कि मैं मेरे घर को, मेरे घर में रहने वाले लोगों को, आप सबको प्रोटेक्ट करिए, ओके। और एक और मैसेज देखते हैं, चॉइसेस, आपके पास चॉइसेस हैं। सो व्हेन यू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ एंड द चॉइसेस, मतलब आप जब सीख लेते हैं कि एक्सेप्ट करना कि आप अपने चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो आप अपने पावर में आ रहे हैं। तो स्पिरिट कह रहे हैं कि उसको सुनिए, यू विल बी एबल टू लिसन, मतलब आप सुन सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं वो इंट्यूटिव विजडम को जो आपके अंदर है, और फिर उसको अप्लाई करिए आपके वर्ल्ड को कंस्ट्रक्टिवली बिल्ड करने के लिए, खास करके पहले इनसाइड फिर आउटसाइड। वाओ, देखिए यहाँ पे भी एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, तो आप एंजल्स की हेल्प लीजिए आपको हेल्प करने में। आपको ड्रीम्स आ सकते हैं स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड में आप शायद हीलिंग हो रही है आपकी, या हो सकता है कि आप जब मेडिटेशन करते हो तो शायद हो सकता है एस्ट्रल ट्रैवल करते हो। अगर एस्ट्रल ट्रैवल आपको पता नहीं है तो हो सकता है इट्स लाइक नो कनेक्टिंग टू द पर्सन, ओके। एक्सेप्टेंस इज अ की और सरेंडर टू सक्सेस इज अ की, बिकॉज अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप नए हैं, मतलब आप नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो बस अपने ऊपर काम करते रहिए, कनेक्ट करते रहिए अपने आप से, अपने शैडो सेल्फ से, और आप देखेंगे कि एवरीथिंग विल जस्ट फॉल इन प्लेस, ओके। थैंक यू सो मच, ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपको हेल्पफुल रही हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कैसे इससे कनेक्ट किया। हम किसी और टाइम और स्पेस में मिलेंगे। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हम कनेक्ट फिर से करेंगे, ओके। Have an abundant life. Bye. Next card की तरफ जाते हैं, purple. Purple. बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव लग रही है मुझे एनर्जी। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही सेंसिटिव हो सकते हैं रिलेशनशिप को लेके, खुद को लेके, पार्टनरशिप को लेके, यू नो। तो सेंसिटिविटी इज़ अ गिफ्ट, इट्स नॉट कर्स, ठीक है। और अगर जितना आप अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर करेंगे, उतना आपका रिलेशनशिप शिफ्ट होगा। शायद आपने ये पहले एक्सपीरियंस किया भी है, ठीक है। मैं देखती हूँ कि आप कहाँ हैं एनर्जी में। शाइन, सो यू आर शाइनिंग, यू आर वर्किंग ऑन द शाइन, और यू आर वर्किंग टू शाइन इन द रिलेशन और इन लाइफ ऑल्सो। तो आप बहुत ज़्यादा यू नो ओपन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। और शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको शाइन होता हुआ देख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, ओके। बट कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं या नहीं दे रहे, आपको कहीं ना कहीं सेंस ऑफ फ्रीडम एक्सपीरियंस हो रहा है। और अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आने वाले टाइम में ज़रूर होगा, ठीक है। आपके पार्टनर वेल डिजर्व रिवॉर्ड, तो वो भी इसमें है कि वो भी अपने तरीके से अपने पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है। देखिए कितने ऊपर, ब्लॉक के ऊपर खड़े हैं। तो मुझे लगा है, देखिए ना, ये यहाँ पे वो आपको ही देख रहे हो। काफ़ी अच्छी एनर्जी है, पोटेंशियल फीलिंग अलोन, पोटेंशियल में फीलिंग अलोन, क्या रीज़न हो सकता है, ओके। तो हो सकता है कि अगर अभी भी कोई पुरानी एनर्जी है आपकी अंदर एक्स की, या कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, पुरानी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि पोटेंशियल में फीलिंग अलोन आया है, तो वो आप रिलीज़ कर दीजिए, तो शिफ्ट हो जाएगी एनर्जी, ओके। और क्योंकि आप शाइन कर रहे हैं, या आप शाइन कर सकते हैं, ओके, और आपके पार्टनर भी वेल डिजर्व रिवॉर्ड है, तो पॉसिबिलिटी है कि पूरी शिफ्ट हो जाए एनर्जी। टेंशन, राइट। तो कोई भी पुराना अंडरस्टैंडिंग या कोई पुराना अगर रिलेशनशिप है, उसकी कोई भी एनर्जी है आपके स्पेस में, तो बस उसे लेट गो करिए, क्योंकि पोटेंशियल तभी और आपको क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि आप दोनों व्यक्ति काफ़ी स्ट्रांग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं,
बट अगर ये वाली एनर्जी आती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। वेल डिजर्व रिवॉर्ड। देखते हैं कि एंजल्स क्या एडवाइस कर रहे हैं आपके लिए। तो कहीं पे भी अगर ब्लेम है, देखिए इसीलिए आया था शायद फीलिंग अलोन, तो हो सकता है क्योंकि आप दोनों स्ट्रांग पर्सनालिटी है तो हो सकता है या तो टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे एक साथ, या अभी क्योंकि हम इस सिचुएशन से भी जा रहे हैं ये भी पॉसिबल है। तो इन स्पाइट ऑफ यू बोथ हैविंग योर ओन आइडेंटिटी, ओन यू नो ओन सेल्फ, क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्पावरमेंट, बट स्टिल दिस इज दिस। तो यहाँ पे आ रहा है कि कहीं ना कहीं फिर ब्लेम है, तो ब्लेम को लेट गो करिए, इसीलिए शायद रिलीज योर एक्स आया था। तो हो सकता है कि सेम पार्टनरशिप में भी आपको थोड़ा सा एनर्जी ब्लेमिंग वाली है, तो लेट गो करिए। इधर लिखा है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग, तो आपको अच्छा फील करना ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये उनकी एडवाइस है, एंजल्स कह रहे हैं। वरना मतलब अगर आप ये करते हो तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है फाइनेंसेस एंड करियर। तो हो सकता है आपका फाइनेंसेस एंड करियर एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर और यहाँ पे ना मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ना अपने आप को बिल्ड करने में लगा रहे हैं, आप अपना करियर, अपना फाइनेंसेस, अपने रिलेशन, कोई भी चीज़ तो बिल्ड करने में लगा रहे हैं। और आप भी अपने फाइनेंसेस और करियर पे थोड़ा फोकस करिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ये ब्लेम एनर्जी से भी बाहर आ जाएंगे, क्रिएटिविटी में भी चले जाएंगे। और क्रिएटिव एनर्जी, चाहे वो फाइनेंस और करियर बिल्ड करना ही क्यों ना हो, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फ्रीडम अगेन, इट्स विल हेल्प यू बोथ टू कम ऑन द सेम पेज। क्योंकि कार्ड बता रहा है कि एंगेजमेंट, यू आर मूविंग टूवर्ड्स असेंडिंग दिस रिलेशनशिप इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आपकी लव लाइफ आगे की तरफ जा रही है, कमिटमेंट की तरफ जा रही है। बट अभी के लिए आप फोकस करिए फाइनेंसिस एंड करियर पे, ओके। और आपके लिए आउटकम सैडनेस एंड आइसोलेशन आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इसीलिए है आउटकम, क्योंकि आप दोनों अलग अलग, भले ही वो आपको देख रहे हैं बट आप दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं अभी, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं बट साथ में नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल में फीलिंग अलोन है और फिर इसमें आइसोलेशन है। तो अगर आपको नया अट्रैक्ट करना है तो ऑफकोर्स आपको पहले अपने ऊपर फोकस करना है, आपको मेंटल क्लैरिटी, यहाँ पे लिखा भी है कि पहले आपको मेंटल क्लैरिटी लानी है कि आपको क्या चाहिए। और हो सकता है अगर आप नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो आप आपके बिलीफ सिस्टम को भी चेक करिए। मुझे इस कार्ड को ये देख के भी लग रहा है कई बार ना हमें मतलब जो भी ये व्यक्ति है हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा अपनी फ्रीडम पसंद है, तो इस वजह से भी भले ही फीलिंग अलोन है बट फिर भी, क्योंकि हो सकता है कि इट जस्ट गिव्स यू मेक्स यू फील फ्री। तो आप देखिए कि आपका बिलीव क्या है उसके बारे में, ओके। क्योंकि आउटकम में सैडनेस एंड आइसोलेशन है, जबकि एंजल्स का है मैसेज कि आप असेंड कर रहे हैं अपने रिलेशन में। दैट ऑल्सो मीन्स कि ये हो सकता है कि ये टेम्पररी हो, परमानेंट ना हो, ठीक है। इसीलिए शायद आप ब्लेम में हैं, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि यही आउटकम आएगा। बट क्योंकि थ्री है तो मुझे लग रहा है कि आप क्रिएटिविटी में, यानी अपने फाइनेंस पे फोकस करिए, अपने आप को बिल्ड करने में फोकस करिए, तो वो ये जो सैडनेस और आइसोलेशन है वो आप एनर्जी को शिफ्ट करेंगे उसके लिए, उसको लेके आप क्या सरेंडर कर सकते हैं, सरेंडर टू ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, सॉरी नेचुरल, हाँ नेचुरल वर्ल्ड। तो हो सकता है यहाँ पे लिखा है कि ब्रेक लीजिए, आप नेचर में टाइम स्पेंड करिए, अपने आप को रिप्लेनिश करिए और ब्यूटी और इकास्टी में रहिए, यानी वंडर में भी रहिए। तो थोड़ा टाइम नेचर में स्पेंड करिए तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है इसमें, खास करके ये ब्लेम एनर्जी से बाहर आना है। ब्लेम कम्स फ्रॉम विक्टिमहुड। विक्टिमहुड में रह के आप कैसे ये एनर्जी में रहेंगे, शाइन कैसे करेंगे, तो उससे बाहर आ जाइए, विनर रोल में जाइए।
विनर रोल में जाने के लिए आपको पहले देखना होगा कि आपको लेट गो कैसे करना है, वो इमोशन को जो आपको शाइन नहीं करने दे रहा है या आपको ब्लेम में रख रहा है। और आपको नेचर हेल्प करेगा कि वापस से हील होके वापस से आप अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाएं। इसलिए ब्रेक लीजिए, और वैसे भी अभी तो ब्रेक पीरियड चल रहा है, तो आप हो सकेगा तो आपके घर में अगर कुछ प्लांट्स हैं या कोई भी ऐसा हो सकता है, अगर प्लांट्स नहीं हो तो पेट हैं तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। जब आपका ये लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होगा तो आप प्लीज़ नेचर में जाइए, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आप कैसे अबंडेंस एंजॉय कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है सीवर वाउज ऑफ पुअर्टी। अगेन ब्लेम कम्स फ्रॉम दिस पुअर्टी कैन बी पुअर माइंड सेट ऑल्सो समटाइम्स। सो देखिए कि क्या है वो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डियर वन, आपको ज़रूर आपको कुछ सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है या सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। खाली इंटेंशन रखिए कि जो भी वाउज ऑफ पुअर्टी है या सेल्फ डिनायल है आपने किसी टाइम और स्पेस में रखा है, वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आज आप उसको लेट गो कर रहे हैं, और उसके जो भी इफ़ेक्ट है वो अनडू हो रहे हैं, और जो भी उसमें इन्वॉल्व थे किसी भी डायरेक्शन ऑफ टाइम में उनसे भी आप ये सारे वाउज तोड़ रहे हैं। वाउज यानी जो हमने कसम खाई हुई है किसी टाइम और स्पेस में कि हम ऐसे रहेंगे, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको जो है कोई वाव है जो आपको अफेक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो आप हो सकता है कि वो भी स्ट्रांग पर्सनालिटी, आप भी स्ट्रांग पर्सनालिटी, बट फिर भी आइसोलेशन और सैडनेस है। तो हो सकता है कि आपने कोई टाइम और स्पेस में वाव लिया हो, वाव यानी कोई कसम खाई हो कि मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं जाऊँ, या मुझे कोई हेल्दी रिलेशनशिप शायद ना मिले, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, या रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है। देखिए कि आपके क्या नेगेटिव थॉट्स हैं उसको लेके, और उसको आप रिलीज़ करिए। ठीक है, उससे आप ब्लेम में से बाहर आएंगे। इट्स लाइक अ लूप, लूप ऐसा होता है कि हमें तकलीफ़ भी हो रही है बट हम कुछ उसको लेके कर नहीं पा रहे हैं। और वाव से क्या होता है कि हमने वाव लिया है बट हम अदर पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं कि उसके वजह से ऐसा हो रहा है, और फिर हम सैड और आइसोलेशन में जा रहे हैं या अलोन फील कर रहे हैं। तो जब आप वाव रिलीज करेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं ना, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। तो आप वो रिलीज़ करिए वाव को। ठीक है, इट कैन बी अ पास्ट लाइफ वाव ऑल्सो। तो मैंने एक वीडियो में शायद शेयर किया है पास्ट लाइफ वाले में कि कैसे वाव रिलीज़ करना है, तो आप वो वाले वीडियो पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि वाव कैसे रिलीज़ करना है। फिर आया है कि द मोमेंट आई रीअलाइन विद लव, क्लियर डायरेक्शन इज प्रेजेंटेड टू मी। जैसे ही मैं लव के साथ रीअलाइन होती हूँ तो मेरे को क्लियर डायरेक्शन मिलता है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। जैसे ही मैं अलाइन होती हूँ लव के साथ, उस डिवाइन लव के साथ। फिर सबके लिए मैंने पिक किया था, आपके लिए भी करती हूँ। सिंक्रोनिसिटी पे ध्यान दीजिए कि यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहता है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप भी तो डिवाइन लव के साथ अलाइन हो रहे हैं। तो सिंक्रोनिसिटी देखिए, वर्ड्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, फेदर्स हो सकते हैं, नाम हो सकता है, कुछ भी। सिंक्रोनिसिटी इज यूनिवर्स ट्राइंग टू गाइड यू एंड सपोर्ट यू एंड गिव यू अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। ओके, फिर ट्रस्ट चुनिए कि सबके ऊपर ट्रस्ट चुनिए कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट द डिवाइन पर्पस, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट, तो या आई ट्रस्ट दैट ओनली ट्रस्ट वर्दी पीपल विल कम इन माई लाइफ। तो आप देखिए, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि हैव अ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन विद द पर्सन, कि आप क्या फील करते हैं, वो क्या फील करते हैं, इसके ऊपर आप करिए। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली देखिए कि आपके वाउस क्या हैं, कि जो आपको शायद अलाउ नहीं कर रहे रिलेशनशिप में जाने के लिए। ओके, दैट इज व्हाट आई, और वो बोल रहे हैं कि आप और आपके लव वन सेफ हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप ये प्रेयर कर सकते हैं कि आप एंजल और गॉड को बोल रहे हैं थैंक यू कि आप उनको, आप वो आपका ध्यान रख रहे हैं, आपके लव वंस का ध्यान रख रहे हैं, और आपको हेल्प कर रहे हैं सिक्योर महसूस कराने में, पीसफुल महसूस कराने में, और फेथ के साथ
आपको आगे बढ़ने में, ताकि आप अपनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस करें। यहाँ पे कहीं पे आया था ना फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़, नहीं वो सेकंड पे आया था, सेकंड सेट ऑफ कार्ड में आया था। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसी थी रीडिंग। हम किसी और टाइम और स्पेस में मिलेंगे। आप खुश रहिए, सेफ रहिए, हैव एन अबंडेंट लाइफ, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हम ज़रूर कनेक्ट करेंगे। ओके, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स पे जाते हैं। प्लम, थोड़ी सी नॉन क्लैरिटी लग रही है। यहाँ पे लिखा भी है ओवरकम योर चैलेंज, तो हो सकता है कोई चैलेंज है जो आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा सा धुंधलापन है, बट मुझे लग रहा है कि वो फॉग जैसे होता है ना, जैसे धीरे धीरे हटता है, तो वो हट रहा है। बी पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, ओके। थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो अच्छा है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे तो अच्छा है, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी टू कम बैक इन योर ओन पावर, टू टेक एनी डिसीजन एंड चॉइस इन योर लाइफ। ठीक है, हम देखते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। पहले आपकी एनर्जी मास्टर, यहाँ पे देखिए हार्ट केज में है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने हार्ट को केज में किया है, अगर किया है तो फ्री कर दीजिए। हो सकता है कोई पास्ट का एक्सपीरियंस हो, ऐसा भी हो सकता है, और आप मास्टर कर रहे हैं, यानी मास्टर हैं आप अपने लाइफ के, खुद मास्टर हैं कि आपको ये एनर्जी को कैसे यूज़ करना है। ओके, सो मैं देखती हूँ दूसरे कार्ड्स की, हम आगे जाते हैं। आपके पार्टनर थोड़े से डिटैच हैं, और ये देखिए उन्होंने केज रखा है हार्ट में, और वो फ्री कर रही है बर्ड को। वाओ, मतलब वो बर्ड को फ्री कर रही हैं और आप होल्ड किए हुए अपने ही हार्ट को। दिस इज अमेजिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा डिटैच एक्ट कर रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। ओके, तो ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर थोड़े से अवेयर सोल हो। दैट डजंट मीन आप अवेयर नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो मास्टर आया है, बस अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा शायद डिफरेंट हो सकता है, या अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकती है। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप आपके हार्ट को ऐसे होल्ड किए हुए हो केज में, तो वो शायद आपको हिंट भी दे रहे हैं कि फ्री करिए, आपको ऐसे होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है, या केज में करके रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप उनके हिंट को शायद समझ नहीं पा रहे हैं, सबसे लग रहा है। पोटेंशियल है थ्रोट चक्र, तो कम्युनिकेट करिए, और या फिर लिसनिंग में भी रहिए। कई बार कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, लिसनिंग भी होता है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेट करिए, लिसन टू ईच अदर, इवन ईच अदर्स एडवाइस। यस, और दूसरा है यहाँ पे देखिए दोनों क्या बोलते हैं, ब्लैक और वाइट है, मुझे लगता है बैलेंसिंग की भी ज़रूरत है, जबकि ये कार्ड थोड़ा दूसरा है उसका लिटरल मीनिंग, बट आई एम नॉट गोइंग विद द लिटरल मीनिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है टेक इन चार्ज। ठीक है, टेक इन चार्ज ऑफ व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से, व्हाट यू डू, तो पोटेंशियल अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप आपके हार्ट को फ्री करिए, जो आपने जिस रीज़न से भी आपने उसको केज में रखा है। हो सकता है कि आपने उसको केज किसी बिलीफ के कारण रखा हो, किसी एक्सपीरियंस के कारण रखा हो, किसी ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आप डिफेंस में चले जाओगे, तो डिफेंस में मत जाइए। हाँ, डिफेंस में मत जाइए, ओपन रहिए। देखते हैं एडवाइस में क्या है। एडवाइस में लव आ रहा है, सो लव चूज़ करिए, लव चूज़ करिए। ठीक है, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो अपने अंदर अच्छा देखिए, आपके पार्टनर के अंदर अच्छा देखिए, तो आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है। या अपने अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा देखिए, अगर सिंगल है तो डेफिनेटली देखिए कि आपके अंदर अच्छी क्या क्वालिटी है, तो जब आप देखेंगे तो आपके पार्टनर अपने आप उस आपके अंदर वो क्वालिटी देखेंगे।
तो आपके लिए एडवाइस में भी लव आ रहा है। फिर रिलीजियस फैक्टर, तो हो सकता है कि आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो, लव को लेकर, रिलेशंस को लेकर, स्पिरिचुअल बिलीव्स अलग हो, रिलीजियस बिलीव्स अलग हो, तो वो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। शायद इसीलिए आपको हार्ट को ओपन करने से डर रहे हैं और आपके पार्टनर डिटैच एक्ट कर रहे हैं। और फिर मतलब बोल रहे सोलमेट हैं आप दोनों, तो यस यू बोथ आर सोलमेट। और ये आपने स्पिरिचुअल लेवल पे ये चैलेंज, ये सिचुएशन सिलेक्ट किया है, तो उसमें अटक किए मत। आप लव को चुनिए ओवर एनी बिलीफ, ओवर एनी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो आप उस रिलेशन को ग्रो करेंगे, उस रिलेशनशिप में ग्रो करेंगे, वो रिलेशनशिप भी ग्रो करेगा, ठीक है? आउटकम है क्राउन चक्र, तो मुझे लगता है डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका उसके साथ, उनके साथ, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के स्पेस में हैं। और यही आपको चैलेंज ओवरकम करने में हेल्प करेगा। ये और ये कलर कितना सिमिलर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आप थोड़ा सा ऐसे सोच में है कि मुझे क्या करना चाहिए इसको लेके। तो एडवाइस जो दी है ना, सिर्फ लव चुनिए, लव चूज, लव द मोर यू चूज लव द मोर थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस, द मोर यू विल बी ओपन टू लिसन, द मोर यू विल बी एबल टू यूज योर ओन क्वालिटी ऑफ बींग अ मास्टर इन योर रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पे भी देखिए ना स्क्वायर बना है, आपके ऊपर है कि आप इस रिलेशनशिप का इंचार्ज लेना चाहते हैं क्या, क्योंकि आपके पार्टनर तो डिटैच है, वो मुझे ओपन लग रहे हैं, तो बोल रहे हैं ठीक है यू टेक योर टाइम। यू सी उनका डिटैचमेंट, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कोल्ड है, वो कोल्ड नहीं है, वो देख रहे हैं कि ठीक है आप अपना टाइम लीजिए टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, फिर मैंने पूछा था आप कैसे अबंडेंस एंजॉय कर सकते हो लव में, तो उसमें आया विजुअलाइज अबंडेंस इन ऑल फॉर्म्स। तो विजुअलाइजेशन करिए कि आप लव कैसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि भगवान ने आपको वो स्पिरिचुअल पावर दिया है जहाँ पे आप कुछ भी विजुअलाइज करके उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक स्टेडी विजन अपने सामने रखिए जो कि ब्यूटीफुल है, हेल्पफुल है, पॉजिटिव है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है, और फिर आप वही एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, आप क्या सरेंडर कर सकते हैं, सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ। तो अपने बारे में, रिलेशन के बारे में, कोई भी लव के बारे में कोई भी आउटडेटेड बिलीफ है तो उसको लेट गो करिए, सरेंडर करिए। यहाँ पे लिखा है कि जब आप अपने लिमिटिंग आइडियाज़ को अपने बारे में या आपके पास्ट के बारे में रिलीज करेंगे, नहीं आप करिए, फिर यहाँ पे लिखा है कि जब आप ये करेंगे तो आप अपने पावर में आएंगे और आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये रिलेशन को या कोई भी सिचुएशन को आगे ले जा सकते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आई एम नो गुड भी हो सकता है। ओके, तो ये आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ गुड रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअल रिलेशन हो सकता है। सो आप ऐसा मत करिए, क्योंकि ये आपके सोलमेट है, और अगर आप नए रिलेशन में जाना चाहते हो कि आप, तो आप सोलमेट ही अट्रैक्ट करोगे। अभी पुराना सारा जो भी है उसको लेट गो कर दीजिए। ओके, और सुनिए थ्रोट चक्रा मेरे लिए हमेशा, मुझे लगता है इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू लिसन। अच्छा सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, तो डेवलप अ हैबिट ऑफ लिसनिंग। ओके, फिर वननेस इज माई ट्रू नेचर। देखिए जब आप वननेस में रहते हो तो फिर वो रिलीजियस वगैरह कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो लव इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वननेस। और क्या है, सेरेनिटी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि आपका रिलेशन अपने साथ कैसा है। तो ये टाइम लीजिए, ऑनर करिए, नर्चर करिए अपने आप को, लव करिए अपने आप को, और आप मोर बाय सीकिंग आउट रिमूविंग नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस, मतलब नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स को रिलीज कर दीजिए जो पुराना है, और
ये जो पुराने इश्यूज है रिजेंटमेंट के, उसको अभी इफेक्ट मत करने दीजिए. सेम मैसेज है, राइट? आउटडेटेड बिलीफ, आउटडेटेड इमोशंस, आउटडेटेड अंडरस्टैंडिंग, उसको सबको लेट गो करिए, फॉरगिवनेस करिए. वननेस इज माय ट्रू नेचर, मतलब आप सब. और देखिए वननेस, क्राउन चक्रा भी वननेस ही बताता है, और अफर्मेशन भी वही आया है. इतना सिंक्रोनिसिटी है इसमें. हाईली स्पिरिचुअल ग्रुप हो सकता है ये. प्लेफुल रहिए, सीरियस मत लीजिए इतना रिलेशन को, सिचुएशन को. थोड़ा प्लेफुल अप्रोच रखिए पार्टनर के साथ, अपने साथ, ठीक है? कि आपको वो रोमांस वापस से एक्सपीरियंस करना है तो प्लेफुल रहिए. अगर सिंगल है तो भी प्लेफुल अप्रोच रखिए, एकदम सीरियस अप्रोच मत रखिए, लाइट हार्टेड रखिए. उससे आप ऑटोमेटिकली लव अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन तो ऑलरेडी रिजॉल्व है. तो ऐसे ही अज्यूम, विजुअलाइज करिए कि ये ऑलरेडी रिजॉल्व है. जो भी प्रॉब्लम है, चैलेंज है अगर, तो वो ऑलरेडी रिजॉल्व है. ओके, सो थैंक यू सो मच. आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो. मुझे बहुत अच्छा लगा करने में ये रीडिंग. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके लिए कैसी थी. हम किसी और टाइम और स्पेस में मिलेंगे. शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच. हैव एन अबंडेंट लाइफ. बाय.